हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग स्टेज वन सेक्शन टू के मैथ्स के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर पार्ट थ्री को। इससे पहले आपके ट्रिग्नोमेट्री पे दो और भी बेसिक लेक्चर्स को दिए गए हैं, तो जिन लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप जाकर उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट हमने आपको सिखाया है जो कि आपके एग्जामिनेशन में बड़े बड़े क्वेश्चंस बनाने में काम आएंगे। तो आपका काम है कि सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखना, सारे वीडियोज़ को अच्छे से देखना। हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं आपके इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, आप कह रहे हैं ये जो सीरीज चल रहा है इसके रिगार्डिंग, एक एक वीडियोज़ के रिगार्डिंग आपको सभी को देखना है और एक भी स्किप नहीं करना है। इसके रिगार्डिंग हम आपको प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, सारे वीडियोस एक साथ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जाइए और सभी एक एक वीडियोस को देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। तो पहला क्वेश्चन इसके बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि कॉस टू द पावर फोर थीटा माइनस कॉसेक टू द पावर फोर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है, यानी कहने मतलब इतना बड़ा जो वैल्यू दिया जा रहा है ये किसके इक्वल है, इज इक्वल टू। ठीक है, आपको पूछा जा रहा है कि ये किसके बराबर है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, कॉट टू द पावर फोर थीटा और क्या है आपका कॉसेक टू द पावर फोर थीटा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कॉट टू द पावर फोर थीटा प्लस आपका क्या है, कॉट टू द पावर फोर थीटा प्लस में आपका कॉसेक टू द पावर फोर थीटा को एक साथ रखते हैं, कॉसेक टू द पावर फोर थीटा। ठीक है, फिर ये एक साथ हो गया, फिर माइनस के साथ लिखेंगे, फिर लिखेंगे माइनस वाला, ये कौन सा है, ये इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक टू द पावर फोर थीटा माइनस कॉट टू द पावर फोर थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉसेक कॉसेक टू द पावर फोर थीटा माइनस कॉट टू द पावर फोर थीटा। कैसे हुआ, यहाँ से माइनस कॉमन लिया हमने, तो यहाँ से एक आपका क्या हुआ, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा आपका वो माइनस हो गया, ये आपका स्क्वायर है ना, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर वाला हम कॉमन ले रहे हैं, यहाँ क्या है स्क्वायर वाला है, तो ये आपका स्क्वायरिंग है और ये क्या आपका स्क्वायरिंग है। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको देखिएगा, समझ में आ रहा होगा शायद, अगर कुछ बच्चों को अभी तक समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा है और प्लस में क्या है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा है, ये आप देख सकते हैं कि ए और बी क्या है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में इसको हम लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, हम क्या करेंगे इसको फोर को क्या करेंगे स्क्वायरिंग कर देंगे और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, इसी तरह इसका भी स्क्वायरिंग कर देंगे और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी एक तो हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा और दूसरा हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। वो आपको पता है, आपको क्या पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू वन होता है। कैसे वन होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक जब आपके कह सकते हैं कि आइडेंटिटीज़ पढ़ रहे थे तो तीन आइडेंटिटीज वहाँ पे पढ़ना था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वन के बराबर हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो गया हमारा, वन के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये देख सकते हैं ये पूरा हमारा टर्म जो है, एक सेकेंड, ये पूरा टर्म जो ये पूरा टर्म से कट जाएगा और क्या हो जाएगा, वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। नंबर सेकंड में देखिएगा लिखा जा रहा है कि वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सॉरी वन माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस में वन प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो वन प्लस क्या हो जाएगा आपका ये वन का स्क्वायर फिर टेन स्क्वायर थीटा प्लस में टू इंटू टेन थीटा, एक्चुअली माइनस में होना चाहिए था क्योंकि ए माइनस बी है। ठीक है, फिर प्लस का साइन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा फिर प्लस में टू इंटू टेन थीटा, ये टू प्लस में और ये टू माइनस में कट जाएगा, वैल्यू हो जाएगा वन प्लस वन टू और टू कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है बताइए, तो वो होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू हो जाएगा टू इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन मैच कीजिएगा, टू इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये सभी। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। नंबर थर्ड में है कि इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू पी दिया जा रहा है, तो आपको आपको टेन थीटा का वैल्यू बताना है, किसका वैल्यू बताना है, टेन थीटा का। कैसे बताएंगे, देखिए आपने सीखा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, ये थीटा है, इज इक्वल टू वन, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म पे तोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस में टेन थीटा और ब्रैकेट में सेक थीटा, ठीक से लिखेंगे, और माइनस में टेन थीटा इज इक्वल टू वन, समझ रहे इतना, हम इसको तो ऐसा लिख सकते हैं ना। देन फिर हमें क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू पी है, तो हम इसके जगह क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन पी। ठीक है, ये हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा, और हमें दिया क्या गया, हमें दिया है सेक थीटा प्लस
टेन थीटा इज इक्वल टू सिंपल पी है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू, किसका टेन थीटा का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को यानी इसको इक्वेशन वन मानते हैं, इसको इक्वेशन टू मानते हैं, हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर ऐड करेंगे तो टेन थीटा हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो क्या हम करते हैं, इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो चलिए सब्सट्रैक्ट करते हैं, अच्छा ये देखते हैं हमें निकालना क्या है, हमें टेन थीटा का वैल्यू निकालना, चलिए ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, तो हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टू टेन थीटा, माइनस टू टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन पी माइनस पी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा वन माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी माइनस टू इंटू टेन थीटा। तो यहाँ से अगर हम टेन थीटा का वैल्यू लिखेंगे तो वो क्या लिख पाएंगे, यहाँ से यदि हम टेन थीटा का वैल्यू लिखेंगे तो वो क्या लिख पाएंगे, तो वो लिख पाएंगे यहाँ से माइनस वाला जो है इस माइनस से कॉमन लेके हट जाएगा, तो आपका हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में टू इंटू पी, क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू इंटू पी, ये किसका वैल्यू हो जाएगा, ये आपका टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो मैच कीजिए ऑप्शन नंबर पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू पी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फोर्थ है नंबर, फोर्थ क्वेश्चन में पढ़िएगा। तो नंबर फोर्थ क्वेश्चन पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू थ्री बाई टू है, तो आपसे कॉस थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है, बस फिर से वही काम करेंगे। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, तो वहाँ पे जब हमारा पी था, देखिए आपको ये सब छोटे छोटे चीज़ को याद रखना है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में तो ये इतना बड़ा स्टेप्स आपको नहीं करना है, इससे थोड़ा सा समय बचाना है ताकि आप दूसरे क्वेश्चन में दे सके, ठीक है, क्योंकि सब क्वेश्चन एक टाइप का नहीं हो सकता है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन हार्ड हो कुछ क्वेश्चन ईजी हो, ठीक है। तो आपको ईजी वाले क्वेश्चन से समय निकाल के अच्छे वाले यानी हार्ड वाले क्वेश्चन में देना पड़ता है, ताकि क्या हो आपके सेलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँ, ठीक है। तो इस छोटी छोटी बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे पी था तो वन बाई पी हो गया था, तो यहाँ पे क्या है थ्री बाई टू है, तो यहाँ पे टू बाई थ्री हो जाएगा। फिर सेक थीटा प्लस में टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, वो थ्री बाई टू ही दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे, तो टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा, ये टू इंटू सेक थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका टू बाई थ्री प्लस थ्री बाई टू, तो उसका एलसीएम कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा थ्री टू जाए यानी फोर ऊपर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा थ्री थ्री जाए नाइन, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया सेक थीटा का वैल्यू, तो यहाँ पे सेक थीटा का वैल्यू हम लिखेंगे, सेक थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नौ चार तेरह बटे बारह, ठीक है। आपको सेक थीटा नहीं, आपसे कॉस थीटा पूछा जा रहा है, तो इसका उलट कर देंगे तो वही हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बारह बटे तेरह, क्या हो जाएगा बारह बटे तेरह, ऑप्शन मैच कीजिए बारह बटे तेरह, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, नंबर फिफ्थ क्वेश्चन में पढ़िएगा लिखा जा रहा है क्या, लिखा जा रहा है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू टू है, तो आपको साइन थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू टू दिया जा रहा है, तो आपको साइन थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप बिना सॉल्व किए आप अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप क्वेश्चन को बना पाइएगा, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें आप थीटा का मान पुट करके भी बना सकते हैं। आप खुद से सोचिए कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू टू कब हो सकता है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू टू कब हो सकता है, क्योंकि एक दूसरे को वो क्या है आपके अपोजिट है, टेन थीटा का अगर उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा हो जाएगा, जिसे आपको पता है कि टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं वन अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, तो कौन सा ऐसा थीटा का मान होगा जिस पर इन दोनों का सम जो होगा वो टू के बराबर होगा। तो सिंपल बात है कि जब हम थीटा का वैल्यू कितना डालेंगे 45 डिग्री डालते हैं तभी दोनों का वैल्यू टू के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि अगर किसी और अधिक कोई किसी और थीटा पे, जैसे मान लेते हैं थीटा का वैल्यू अगर हमारा 30 डिग्री हो जाएगा तो इसका 30 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा टेन थीटा का वैल्यू 30 भी क्या होता है 1/√3 होता है, और कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा सिंपल √3 हो जाएगा, तो कभी भी इसका वैल्यू टू नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पे थीटा का वैल्यू सिर्फ 45 डिग्री पे ही ऐसा हो सकता है, क्योंकि 45 पे टेन का वैल्यू 1 होता है और 1 का ऑपोजिट करेंगे तो कॉट का वैल्यू भी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं पता चला कि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो गया, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन 45 डिग्री के बराबर, जो कि होता है 1/√2, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इसमें लिखा जा रहा है कि 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1/sec थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। आपको इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, आपको इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, कैसे बनाएंगे तो चलिए देख लेते हैं, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा है ना, तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। यदि हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में ला दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो इस कारण से हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, ऊपर लिखेंगे सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है, और नीचे हम क्या लिखेंगे, नीचे सेम इसी चीज़ को नीचे लिखेंगे, यानी ये जो पूरा टर्म है उसी को नीचे लिखेंगे ताकि हमारा रेशनलाइजेशन हो। तो नीचे उसी टर्म को लिखेंगे और पहले से हमारा सेक ए माइनस टेन ए प्रेजेंट है, वो दोनों मिला के क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। आपको समझ में आ रहा होगा शायद, हमने यहाँ पे स्टेप्स को काटा है ताकि क्या आपको समय भी बचे और आपको थोड़ा सा दिमाग में आप अपना स्टेप्स को बनाइए, अपने स्टेप्स को दिमाग में ही ज़्यादा कीजिए ताकि लिखेंगे कम तो आपको समय बचाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, समय आपका बचेगा, क्योंकि 2-3-5 सेकेंड एक एक क्वेश्चन में अगर आप बचाते हैं तो आपके पास अच्छा खासा समय बचेगा, ठीक है। तो बस सेम काम यहाँ भी करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा सेक ए माइनस में टेन ए, और नीचे क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस में
टेन स्क्वायर ए। आपको पता है कि इस पूरे का वैल्यू 1 के बराबर होता है, इस पूरे का वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो सिंपल है, नीचे 1 हो गया, ऊपर हो गया आपका सेक ए, क्या हो जाएगा ऊपर सेक ए प्लस में टेन ए, फिर प्लस में सेक ए माइनस में टेन ए, टेन ए से टेन ए कट जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सेक ए। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ सेक ए मैच कीजिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नंबर 7 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस में 1 प्लस कॉस थीटा अपन साइन थीटा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसके बराबर होंगे, ये जो होंगे वो आपके किसके बराबर होंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम काम करते हैं कि नीचे एलसीएम ले लेते हैं दोनों का। अगर हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, देखते हैं कुछ हमें मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो हमने क्या किया, दोनों का एलसीएम लिया। चलिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, यही होगा ना। फिर ऊपर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, मार्कर पहले थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मार्कर चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को क्या करेंगे तोड़ेंगे। तो चलिए तोड़ लेते हैं, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 इंटू कॉस थीटा। नीचे क्या हो जाएगा बताइए, नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में आपका साइन थीटा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1, और पहले से 1 है तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 2 हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। समझ रहे हैं कैसे किया हमने, देखिए ये 1 और इस दोनों को मिला के 1, तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2 होगा, इसके पास भी 2 है और हमारा इधर भी 2 आ गया, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है, तो कुछ दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है कि 1 प्लस कॉस थीटा कट रहा है। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस थीटा कट गया, वैल्यू हो गया 2 अपॉन साइन थीटा, और इसका वैल्यू हो गया 2 इंटू साइन थीटा, क्या होता है आपका कॉसिक थीटा 2 इंटू कॉसिक थीटा। मैच कीजिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नंबर 8 क्वेश्चन लिखा जा रहा है cosec theta upon cosec theta minus 1 plus cosec theta upon cosec theta plus 1। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने से एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि आप अगर इसको साइन थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो मे बी कहीं लंबा स्टेप्स चला जाए, तो आप एलसीएम ले लीजिए, ज़्यादा बेहतर है वो। तो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ऊपर हो जाएगा आपका कॉसिक थीटा, कॉमन आ जाता है। ठीक है, कॉसिक थीटा पहले ही कॉमन ले लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसको एक ही साथ लेके चलना सही नहीं है। तो कॉसिक थीटा कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब लिखिए, अब इसमें लिखेंगे कि ऊपर हो जाएगा हमारा कॉसिक थीटा प्लस 1, फिर प्लस में कॉसिक थीटा माइनस 1। ठीक है, ये प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका कॉसिक थीटा इंटू में 2 इंटू कॉसिक थीटा, कॉसिक है ये 2 इंटू कॉसिक थीटा। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। फॉर्मूला होता है आइडेंटिटी का, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से ये हमारा फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो ऊपर हो गया 2 इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा और नीचे क्या हो गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा, तो 2 इंटू ऊपर रह गया, और कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा यानी 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा, 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, हमने क्या किया, सबसे पहले एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने क्या किया, सिंपल इसको फॉर्मूला के थ्रू कन्वर्ट किया कॉट स्क्वायर थीटा में, फिर यहाँ तक आया हमारा, यहाँ पे हमने फिर कॉसेक को हमने साइन में कन्वर्ट किया और कॉट को हमने कॉस और साइन में कन्वर्ट किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका नंबर नाइन्थ क्वेश्चन में दिखेगा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो कैसे बताएंगे हम इसका वैल्यू, हम कैसे बताएंगे, तो एलसीएम लिख लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो ले लेते हैं एलसीएम, नीचे एलसीएम हो जाएगा क्या हमारा, नीचे एलसीएम हमारा हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये एलसीएम लेके बन जाएगा क्या आपका, एक काम करते हैं, सबसे पहले साइन थीटा इस टेन जो थीटा है आपका उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, ऊपर साइन थीटा नीचे 1 माइनस
कॉस थीटा, क्योंकि एक टेन थीटा है तो ये आपका काम गड़बड़ा सकता है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख देंगे, प्लस में वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल बात है। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया और टेन थीटा को साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख दिया। नीचे एलसीएम आ गया हमारा, क्या एलसीएम आ गया हमारा, कॉस थीटा इंटू में वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और हमारा साइन थीटा ऊपर कॉमन भी हो जाएगा, हमारा साइन थीटा ऊपर कॉमन भी हो जाएगा, ठीक है, तो कॉमन हमने ले लिया। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम इसको जैसे से एलसीएम लिए वैसे वैसे सॉल्व करेंगे। वन माइनस कॉस थीटा एलसीएम है तो वन माइनस कॉस थीटा हट जाएगा और वैल्यू बच जाएगा आपका सिंपल कॉस थीटा, कॉस थीटा एक सेकेंड, कॉस थीटा, ठीक है, इंटू में वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है, तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा नहीं देंगे और वन प्लस है तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए यहाँ पे साइन देंगे प्लस का, फिर वन प्लस कॉस थीटा और इंटू कॉस थीटा आपका हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल आपका वन माइनस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट जाएगा, ठीक है, ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा आपका कट गया। और फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिलेगा ऊपर साइन थीटा, नीचे आपका क्या है, कॉस थीटा इंटू में ऊपर हो जाएगा हमारा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा हमारा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक सेकेंड, वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा ऊपर, ऊपर हो जाएगा हमारा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, ये एक कॉस थीटा को तो हमने बाहर लिख दिया, बची का ये हमारा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर से एक साइन कट जाएगा, क्या जाएगा, स्क्वायर से तो एक साइन कट जाएगा ना, और देन फिर क्या बच जाएगा हमारा, तो देन फिर बच जाएगा ऊपर हमारा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बच जाएगा, नीचे बच जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, तो लिख लेते हैं वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे बजेगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है, तो यहाँ से वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा, सेक थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का साइन देंगे, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, हम क्या कर रहे हैं इस पूरे टर्म को इससे और इससे अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो एक टर्म यहाँ पे कॉस से कॉस कट जाएगा, ऊपर एक कॉस बच जाएगा, नीचे एक साइन बच जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे माइनस टाइम्स ऑफ, चलिए ऊपर कॉस बच रहा है नीचे साइन बच रहा है, तो उसको हम सिंपल कॉट थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये स्क्वायरिंग नहीं समझ लीजिएगा इसको, सी ओ एस सी सी कॉसेक थीटा, ठीक है, तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, कोई ऐसा ऑप्शन है दिखे, तो ऐसा ऑप्शन हमारा डी मैच कर रहा है, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस में कॉट थीटा, ठीक है, ये एक्चुअली प्लस होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए इतने छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इस स्टेप्स को थोड़ा मन में जितना ज़्यादा करिएगा, जितना ज़्यादा आप इंटरनली इसको स्टेप्स को सॉल्व कीजिएगा, उतना ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस ईजी होते हैं, लेकिन इसमें आपको समय बचाना होता है, ठीक है, समय कब बचेगा, कब आपको ऐसे मन में बना पाइएगा, या फिर आप उसको स्टेप्स को कम लिख पाइएगा, जल्दी सॉल्व कीजिएगा बिना कम स्टेप्स लिखे हुए, तो ये आपके प्रैक्टिस से होगा, ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, तभी हो पाएगा। नंबर टेंथ को पढ़िएगा, लिखा जा रहा है कि फाइव टेन थीटा इक्वल टू फोर, तो आपको इतना का वैल्यू पूछा जा रहा है, सिंपल क्वेश्चन है ये भी, हम क्या करेंगे इस पूरे वैल्यू को टेन कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो आपका हो जाएगा फाइव इंटू टेन थीटा माइनस थ्री अपॉन क्या हो जाएगा, फाइव इंटू टेन थीटा प्लस टू, ठीक है, अब देखिए हमें टेन थीटा का वैल्यू क्या है, हमें फाइव टेन थीटा का वैल्यू फोर दिया जाए, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, फोर अपॉन फाइव, यहाँ पे हो जाएगा फाइव इंटू फोर अपॉन फाइव माइनस थ्री अपॉन में फाइव इंटू फोर अपॉन फाइव प्लस टू, ठीक है, तो यहाँ से हमारा वैल्यू क्या हो गया, तो यहाँ से हमारा वैल्यू फाइव से फाइव कट गया, वैल्यू हो गया फोर माइनस थ्री, और ये भी फाइव से फाइव कट गया, वैल्यू हो गया फोर प्लस टू, फोर माइनस थ्री होता है वन और फोर प्लस टू होता है सिक्स, तो वन अपॉन सिक्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो इस वीडियोस में हमने आपको जो भी क्वेश्चन दिया है और जो भी चीज़ आपको यहाँ पे सिखाया गया है वो आपको शायद अच्छे से समझ में आया होगा, फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी ये आपका तीसरा लेक्चर था, अभी आपके यहाँ पे चार और लेक्चर दिए जाएंगे, ठीक है, चार नहीं सॉरी पाँच और लेक्चर दिए जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री पे, तब जाके आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगा, ठीक है, और उन पाँचों लेक्चर में लगभग आपके प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे आप पूछ सकते हैं, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।